छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के कई कदम उठा रही है, जिससे ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है और वे सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाते हैं और पूरी सरकार मिलकर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने में जुट जाती है। कुछ ऐसी ही चर्चा आज प्रदेश की जनता कर रही है। प्रदेश की जनता अपने सीएम की योजनाओं से खुश है और उनका धन्यवाद दे रही है। गोबर पेंट आज जन जन की मांग बन गया है। गोबर पेंट की मांग जनता के बीच बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश की जनता गोबर पेंट से अपने घरों को सजा रही है, तो सरकारी कार्यालयों में गोबर पेंट से रंगाई की जा रही है, जिसके बाद अब गोबर को ग्लोबल पहचान मिल रही है। एक और जहां गोबर को पहचान मिली, तो वही गोबर पेंट की बिक्री से इससे तैयार करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। हमारा समूह गोबर से पेंट बना रहे हैं और हम लोग सबसे पहले तो गोबर और पानी को बराबर मात्रा में डालते हैं, फिर उसको डालने के बाद चलाते हैं। इसके बाद DDR मशीन में लाते हैं, वो DDR मशीन फाइंड करता है। इसके बाद ब्लीचिंग टैंक में लाते हैं, ब्लीचिंग टैंक में लाने के बाद पीछे बॉयलर मशीन लगा है, वो बॉयलर मशीन में स्टीम बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद फिर उसमें स्टीम देते हैं 3 बार। इसके बाद उसमें 2 केमिकल मिलाते हैं, वो 265 रुपया 18% GST मिला के हम लोग को इमल्शन में 265 रुपया की दर से मिल रहा है। कोरिया के मझगवां गोठान में रीपा के तहत पेंट इकाई लगाई गई है। गोठान में लगे गोबर प्लांट में कई चरणों के बाद गोबर पेंट तैयार किया जाता है और इस सब को तैयार करती है महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की पूरी टीम। इन महिलाओं का कहना है कि गोबर खरीदी करने कई लोग आते हैं और हम इसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छी आमदनी होने से अब हमने त्योहारों को खुशी खुशी मनाना शुरू कर दिया है। काम कर रहे हैं हम लोग गोबर पेंट का, तो हम लोग को रोजगार बहुत अच्छा से मिल रहा है। हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, हमारे बाल बच्चे लोग को भविष्य बन रहा है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे खुद गौठानों का निरीक्षण करते हैं और स्व सहायता समूह की महिलाओं का मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका कहना है कि जल्द ही जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को गोबर पेंट से रंग रोगन किया जाएगा। अनुसार जितने हमारे गोठान हैं, स्पेशली रीपा गोठान, वहाँ पे गोबर पेंट जो निर्माण इकाई है इसकी स्थापना की गई है। बैकुंठपुर में हमारा मझगवां गोठान है, वो अपना रीपा गोठान भी है, वहाँ पे इस यूनिट का शुरू किया गया है। वहाँ पे इसके अंतर्गत दीदियाँ वहाँ पे हमारे गोबर पेंट और अन्य जो उसके प्रोडक्ट होते बना रही हैं, जिसको हम अपने जितने शासकीय कार्यालय है उसमें उपयोग करेंगे और साथ में आने वाले समय में जितने भी हमारे प्राइवेट वेंडर्स हैं यहाँ पे जो पेंट का काम करते हैं, उनको भी उस गोठान से टाइप करके वहाँ से गोबर पेंट जो भी बनता है उसका ठाव वहाँ से किया जाएगा। अभी कुछ आने वाले समय में सोनभद्र विकासखंड में भी हम एक रीपा गोठान में एक और गोबर पेंट इकाई का शुरुआत करेंगे। गौठानों से आज महिलाओं की आय बढ़ी है, तो प्रदेश की जनता को गोबर की महत्ता समझ आई। गोबर से जुड़ी परंपरा को आज भूपेश बघेल ने ग्लोबल पहचान दिलाई है और सीएम के इस फैसले के लिए प्रदेश की जनता मुखिया भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।